जसपा भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, कल अपने चार उम्मीदवार की घोषणा की है, क्या मान रहे हैं, किस तरह आपका इलेक्शन रहेगा? प्रजातंत्र में जनशक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। हमने एक नई सोच, यूथ, हरियाणा की जान लोगों को दी। अब उनमें जान फूंकना तो काम लोगों का है, अकेले मेरे बलबूते पे कुछ नहीं हो सकता। जो संगठन है हमारा, जो हरियाणा प्रदेश की जनता की आवाज़ है, उसके मुताबिक हमने फैसला किया है और अगले भी इसी तरह के फैसले करेंगे। आपका बेटा दूसरी बार हिसार से चुनाव लड़ रहा है, क्या लग रहा है? बेटे तो चारों हैं मेरे, तो और सातों हैं। बेटे की चुनाव नहीं, चुनाव JJP का है। क्या मुद्दे लेके चलते हैं चुनाव? मुद्दे तो हमने पहले दिन, जिस दिन पार्टी की स्थापना की थी, 12 घोषित किए थे, वही हमारा मैनिफेस्टो है। क्या प्राथमिकता क्या रहेगी अगर JJP के सांसद बनते हैं? मैंने यही कहा भी, हमारे 12 घोषणा हमने की थी और वही हमारा मैनिफेस्टो है, उसी को लेके मैदान में। महागठबंधन को लेकर भी कोई चर्चा है अभी? चर्चाएं तो राजनीति में चलती रहती है। मेरे कहने की बात नहीं, दुष्यंत ने सारी चीज स्पष्ट तो कर दी। क्या कांग्रेस से गठबंधन हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? कैसे हो सकती है, हम तो उसके विरोध में पैदा हुए हैं। पिछली बार इनेलो से दुष्यंत ने चुनाव लड़ा था, अब जसपा से, कितना फर्क मार देगा? फर्क तो प्रदेश की जनता करेगी। जीत में आपने देखा नहीं फर्क? इनेलो ने जहाँ 34,000 वोट लिए, 3400 पे आ गए, तो फिर जनता किसके साथ है, ये तो फैसला वोटर करता है। एक आपके भाई ने आरोप लगाया था कि जसपा का गठबंधन आप पार्टी से हुआ है, आप भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं, तो कैसे ये गठबंधन हो सकता है? उनके पिताजी, वो मेरे से पहले, और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, मर्यादित भाषा में बात करें, ताकि जब भी कभी हम बैठे तो एक दूसरे को शर्म से सिर ना झुकाना पड़े। तो लग रहा है कि इनेलो इस लोकसभा चुनाव में कुछ कर पाएगी? कहाँ है इनेलो, है कहाँ, मुझे ये तो बताओ धरातल पे। दावा किया जा रहा है अभय सिंह की तरफ से कि 10 की तस्वीर। दावे तो जो मर्जी कर लो, प्रजातंत्र में अधिकार तो है, मेरा भी है, हर वोटर का है, जो मर्जी कर लो। फाइट किससे मार रहे हैं, किसी से मानते हैं? फाइट तो प्रदेश की जनता तय करेगी।